चेन्नई के कप्तान ऋतुराज के इस दाव ने आरसीबी को किया चारों खाने चित। सीएसके ने 6 विकेटों से दी आरसीबी को मार, जीत से की आईपीएल 2024 की शुरुआत। धोनी का ये मंत्र आया चेन्नई के काम, ऋतुराज ने ऐसे बनाया प्लान। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला खेला गया। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में दोनों टीमों का आमना सामना हुआ, तो उस जीत कर फाफ डु प्लेसिस ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, जिसके बाद टीम ने 6 विकेटों के नुकसान पर 174 रनों का लक्ष्य निर्धारित कर दिया। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 176 रन बनाए, परिणाम स्वरूप टीम ने 6 विकेट से इस मुकाबले पर अपना कब्जा कर लिया। नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की समझदारी के चलते टीम मैच जीतने में सफल रही, तो उस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी आरसीबी की टीम। उसकी शुरुआत बेहद खराब रही, हालांकि कप्तान और सलामी बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और खूब रन बटोरे। उन्होंने 23 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 35 रन बनाए, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान ने रचिन रविंद्र के हाथों उनको आउट करवा दिया। फाफ डु प्लेसिस के पवेलियन लौटते ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम बिखरती चली गई। रजत पाटीदार और ग्लेन मैक्सवेल बिना खाता खोले ही अपना विकेट गंवा बैठे। ऐसे में जहां सभी की उम्मीदें पूर्व कप्तान और धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली से जुड़ी थी, वो भी 21 रन बनाकर चलते बने। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने समझदारी दिखाई और मुस्तफिजुर रहमान के हाथ में एक बार फिर से गेंद थमाई और उन्होंने विराट कोहली का विकेट टीम को दिला दिया। इसके बाद उन्होंने कैमरन ग्रीन की पारी को भी खत्म कर दिया। इसी के साथ आरसीबी की आधी टीम 78 के स्कोर पर पवेलियन बैठ गई थी। अंत में दिनेश कार्तिक ने 38 रन बनाए और एक छोर पर खड़े रहकर खेलना शुरू कर दिया। उनका साथ देते रहे अनुज रावत, जिन्होंने 48 रनों की शानदार पारी खेली और चौके छक्के लगाना शुरू कर दिया। तेज गति से रन बनाने लगे। दोनों खिलाड़ियों के बीच 6 विकेट के लिए 95 रनों की साझेदारी हो गई। अनुज रावत ने 25 गेंदों में 48 रन बनाए। दिनेश कार्तिक ने 26 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 38 रनों की नाबाद पारी खेली। इस प्रदर्शन के बाद आरसीबी की टीम 6 विकेट खोकर 173 रन बना पाई, लेकिन ये रन भी आरसीबी को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं थे। खुद दिनेश कार्तिक ने भी अपनी पारी खत्म करने के बाद माना कि शुरुआत के मुताबिक 10 से 15 रन कम बने हैं, लिहाजा अगर वो 10 से 15 रन अधिक बना लेते तो मैच किसी भी करवट बैठ सकता था। जवाबी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए आई चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 15 गेंदों पर 15 रन ही बना पाए। इसके बाद दूसरे सलामी बल्लेबाज रचिन रविंद्र भी 15 गेंदों पर 37 रन बना सके। रचिन रविंद्र ने अपनी पारी में 3 चौके और 3 छक्के लगाए। ऋतुराज गायकवाड़ को यश दयाल ने कैमरन ग्रीन के हाथों आउट करा दिया। रचिन रविंद्र का विकेट करण शर्मा के नाम रहा। अजिंक्य रहाणे 19 गेंदों का सामना करते हुए 27 रन बना पाए। कैमरन ग्रीन की गेंद पर मैक्सवेल ने उन्हें आउट करा दिया। इसके बाद कैमरन ग्रीन ने अजिंक्य रहाणे और डेरल मिचेल का भी शिकार कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की। अंत में इंपैक्ट प्लेयर शिवम दुबे ने अपना प्रभाव दिखाया और धुआंधार पारी खेली। उन्होंने 28 गेंदों पर नाबाद 38 रन बनाए। घातक ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भी 17 गेंदों पर 25 रन बनाकर नाबाद रहे। ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी कप्तानी के डेब्यू में ही यादगार जीत दर्ज कर ली। उनके एक फैसले ने पूरे मैच का रुख पलट कर रख दिया। पारी के 5वें ओवर से पहले फाफ डु प्लेसिस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में ऋतुराज ने 24 गेंदों के बाद मुस्तफिजुर रहमान को गेंद थमा दी। उन्होंने फाफ डु प्लेसिस, विराट कोहली, मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन के विकेट ले लिए और आरसीबी के बल्लेबाजी की कमर तोड़कर रख दी। रहमान ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 29 रन देकर 4 विकेट झटके और इस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले मुकाबले को 6 विकेटों से अपने नाम कर लिया। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।